चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बार मैग्नेट इज फॉलिंग फ्रीली इनसाइड अ लॉन्ग कॉपर ट्यूब, ये लॉन्ग कॉपर ट्यूब है एंड अ सोलेनोइड, ये सोलेनोइड है, इन द फिगर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, देन द एक्सेलरेशन ऑफ द मैग्नेट इन साइड द कॉपर ट्यूब एंड द सोलेनोइड रेस्पेक्टिवली कितना होगा। देखो जब भी ये अंदर मूव करेगा नॉर्थ पोल इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये इधर बनेगा, नॉर्थ पोल सामने की तरफ बनेगा, नीचे की तरफ साउथ पोल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी नॉर्थ पोल सामने की तरफ बनेगा और नीचे की तरफ साउथ पोल बनेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, यहाँ भी नॉर्थ नॉर्थ बार मैग्नेट का रिपेल करेगा, लेकिन इसमें एडी करंट बनेगी, ध्यान रखना एडी करंट, क्योंकि फ्लक्स में चेंजेस आएंगे, तो ये मेटल का ट्यूब है तो ये ऑब्वियसली बात है एडी करंट बनाएगा, ये तो बल्क मटीरियल नहीं है, ये तो सोलेनोइड है, तो यहाँ पर इंड्यूस करंट डेवलप होगी, इंड्यूस करंट डेवलप होगी, और एडी करंट एक मेटल के पीस में होती है, ध्यान से याद रखना। तो एडी करंट इसमें डेवलप हो रही है, इसमें अच्छा एरिया किसका कम किसका ज्यादा होगा, इसका एरिया आपका कम होगा, लेस होगा, और इसका एरिया लार्ज होगा, बड़ा होगा, हाई होगा। तो अगर एरिया ज्यादा है ट्यूब के केस में और सॉलिड के केस में कम है, तो करंट और रेजिस्टेंस के बीच में सॉरी रेजिस्टेंस का इक्वेशन क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो इनटू एल अपॉन ए होता है। तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, किसका एरिया ज्यादा है ट्यूब का, तो एरिया ज्यादा होने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस लेस होगा कम होगा, और इसका रेजिस्टेंस सॉलिड का रेजिस्टेंस हाई होगा। तो और करंट और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा जिसका होगा उसकी करंट लेस होगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसकी करंट हाई होगी, और करंट हाई होने का मतलब है इसका मैग्नेटिक फील्ड भी हाई होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस जो होगा नॉर्थ पोल जो ऊपर बन रहा है इस ट्यूब के अंदर वो स्ट्रांग होगा, तो वो मैग्नेटिक फोर्स भी स्ट्रांग अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा स्ट्रांग बनाएगा, जबकि ये मैग्नेटिक फोर्स जो बनाएगा वो वीक बनाएगा, ये वीक बनाएगा और ये मैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन वाला वो स्ट्रांग बनेगा। तो जब आपका mg ग्रेविटेशनल फोर्स से ये नीचे, मान लो ये बार मैग्नेट mg फोर्स से ग्रेविटेशन फोर्स जो है mg के बराबर है, और ये मैग्नेटिक फोर्स जो ऊपर लग रहा है, अगर ये मैग्नेटिक फोर्स वीक होगा तो नेट फोर्स क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा एफ नेट। तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स में क्या रिलेशन हो, ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रांग होता है और मैग्नेटिक फोर्स वीक होता है, यानी इस केस में ए वाई की वैल्यू लेस देन जी के बराबर होगी। लेकिन जब आपका ट्यूब होगा तो क्या होगा, जो ट्यूब में जब ये बार मैग्नेट मूव करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों केसेस में आपस में बराबर होंगे, और अगर ये बराबर होंगे तो नेट फोर्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, यानी इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होगा, इस केस में एक्सेलरेशन होगा लेकिन जी से छोटा होगा। तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जीरो और लेस देन जी, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।